नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और तस्वीरें यूपी के मऊ जनपद से है। और आप मऊ जनपद से ये रामलीला का सजीव प्रसारण देख रहे हैं, किस तरह से भ्राता लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद अब प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं मैदान में युद्ध के लिए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं यूपी के मऊ जनपद से, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक भरत रामलीला का, यहाँ पर जो रावण का पुतला दहन है वो होगा। और आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा वहाँ की तस्वीरें दिखाएं, और उस तस्वीरों के बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र अपने भ्राता के पास पहुँचे हैं, जब हनुमान जी महाराज ने उन्हें संदेशा दिया और उसके बाद वो पहुँचे हैं, जब रावण ने अपने बाण से मूर्छित कर दिया लक्ष्मण को, और उसके बाद का संवाद आप देख सकते हैं अपने इस स्क्रीन पर, किस तरह से ये संवाद हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे वहां पहुंचने की। और ये संवाद आप सीधे देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से दोनों भाइयों के बीच की तस्वीरें हैं। बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की, लखन लाल की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हैं। मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे जो दर्शक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरह से अब प्रभु का विमान सीधे लंका की ओर, आइए सीधे दिखाते हैं आपको इधर की तस्वीरें कि क्या है और किस तरह से विशालकाय ये दृश्य है। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और इस बीच रामलीला की साक्षात तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज पर। ठीक है, चलो तुम हमारे साथ जो दस्तर में चलने के लिए तैयार है। तो हम यहाँ पर सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं रावण, और इस बीच की ये तस्वीरें उमड़ा जनसैलाब, और किस तरह से यहाँ पर रामलीला का आकर्षक जो मंचन हो रहा है। अब रामलीला का ये सजीव मंचन हो रहा है यहाँ पर। सीधे हम बात करते हैं यहाँ पर, सीधे हम बात करते हैं यहाँ पर रामलीला समिति के भरतलाल राय जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का मंचन हो रहा है और कितना सुखद अनुभूति है जब कोविड काल के बाद यहाँ पर ये कोविड लगभग दो साल के बाद ये रामलीला पुनः शुरू हुई। माननीय जोगी जी के निर्देश पर कि सारे त्यौहार बढ़िया ढंग से बिताए जाए, और उनके निर्देश में यहाँ की रामलीला जो पारंपरिक रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला है, वो अपने एकदम असली रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। जनता जनार्दन भी सारे नियमों का पालन करते हुए यहाँ उपस्थित है। किस तरह देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। हाँ हाँ, काफ़ी संख्या में लोग पीड़ित थे। मैं समझता हूँ कि आधा मामला तो यहाँ से आने के बाद ही उनका दूर हो गया, न कोई रोग है, और एकदम उल्लासित हैं लोग ये मंचन देखने के लिए। कौन सा ये पाठ होने जा रहा है? अब इसके बाद अभी राम रावण युद्ध होगा, युद्ध के बाद रावण यहाँ मारा जाएगा, और इसके बाद भगवान उसका ले जा करके दाह संस्कार करेंगे। तो देख सकते हैं आप मऊ में किस तरह से सजीव प्रसारण हो रहा है। और अब आगे की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी यहाँ पर
आकर्षक होने वाली, मरोनम होने वाले हैं, क्योंकि राम रावण का युद्ध होने वाला है। बने रहे सबसे तेज न्यूज़ के साथ, हम तमाम वीडियो को आपसे रूबरू करवाएंगे। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में लोग हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितनी पुरानी रामलीला है ये? 400 वर्ष पुरानी रामलीला है। मुगलिया काल में भी यहाँ पर रामलीला हुआ करती थी और वही परंपरा आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है और हम लोग वही प्रयास करते हैं कि वही साजो सामान लगाया जाए, उसी तरह से लोग करें, वही परंपरा से भजन होती है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें उसी तरह चली आ रही हैं अभी तक। अद्भुत रामलीला, अविस्मरणीय रामलीला, ये मऊ की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होना है, यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विमान है और कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अब जो है वहाँ से, अब मैं इधर दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में जो वो लोग हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। युद्ध के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। और यहाँ पर कुछ लोगों से और बात करेंगे कि क्या वो देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। ये मऊ के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक चीज़ है जो कि जुगों जुगों से चलता चला आ रहा है और एक सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, जो कि पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, जो कि इस साल जिस तरीके की भीड़ लग रही है, जिस तरीके का हुजूम लग रहा है, और मैं यही कामना करता हूँ कि ऐसे ही सनातन धर्म के लोग काफ़ी उत्सव के साथ हमारे त्यौहार को मनाएं और पूरी तरीके से संपन्न हो भली भांति। ये देख सकते हैं पीछे हमारे हाथी जो हैं, वो एक जो रावण का प्रमुख विमान हुआ करता है वो यहाँ पर है, रावण के विमान में, और अब युद्ध होगा यहाँ पर। रावण जो इस हाथी पर जो है उस पर सवार होंगे और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो रथ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। गाजा बाजा के साथ यहाँ पर तमाम आपको देखने को मिल रहे हैं सजीव प्रसारण, सजीव ऐतिहासिक रामलीला और सजीव मंचन। ऐसा मंचन शायद ही आपको काशी में देखने को मिलता होगा, नाटिमली में और मऊ जनपद में। यहाँ पर तमाम हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, कितना ये पुराना है और कितना ये, जैसा कि कहावत है कि ये मुगल काल से ये रामलीला चली आ रही है, तो यहाँ कोशिश रहती है रामलीला कमेटी की कि वैसा ही सजीव मंचन करें जैसा होता था पहले भी। तो कोरोना काल में बंद था, इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत भीड़ है यहाँ पर और गर्मी भी है और लोग को भी रामलीला का मंचन देखने आए हुए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर रामलीला का मंचन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राम अब रावण अपने विमान पर बैठ चुका है और अब ये युद्ध के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। ये सजीव प्रसारण आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ पर।